गुड मॉर्निंग, और आज के डिवोशन के लिए यशाया का सातवां अध्याय और अद्भुत समय है इसराइल के लिए। उज्जियाह की मृत्यु हो चुकी है और सातवें अध्याय में एहाज राजा है और उत्तरी दिशाओं से सेनाएं आने वाली हैं और उसको घबराया हुआ है और परमेश्वर अहाज से कहता है कि घबरा मत, जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, जो उन्होंने सोचा है वो कभी पूरा नहीं होगा, वादा किया है। ये है उसको कहा गया चिन्ह मांग, ये हज कहते नहीं 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 मैं आत्मिक हूँ, मैं चिन्ह नहीं मांगूंगा, लेकिन परमेश्वर कह रहे उसे चिन्ह मांग। और इसी समय में ये वचन दिया गया है जो हम बहुत क्रिसमस के समय में से बहुत याद करते हैं कि इस कारण प्रभु की तुम को एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इमैनुअल परमेश्वर हमारे संग, ये वादा परमेश्वर दे रहा है एहाज को। एहाज कहता मुझे नहीं चाहिए वादे, है ना। कई बार हम विश्वासी होते हैं होने के नाते हम इससे बोलते हैं वादे वादे, हाँ हमको जब हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहा है ये अपना वादा पूरा करने वाला नहीं, सब वादे करते रहते लेकिन पूरा नहीं करते। लेकिन जब परमेश्वर वादा कर रहा है तो परमेश्वर वादा कर रहा है और वो उसे पूरा भी करेगा। यशाय की इस किताब में एहाज डरा हुआ है लेकिन परमेश्वर उसे वादा दे रहा है कि जिस दुश्मन से तू डर रहा है, जो तुझे लग रहा है बहुत बड़ा है, जो तेरे मन में कल्पनाएं चल रही हैं कि तुझे नाश करेगा, ऐसा घबरा मत, कुछ भी नहीं होने वाला। कितनी बार होता है विश्वासियों के संग की कल्पना बहुत कर देगी ये हो सकता है या ये होगा और उनके सामने परमेश्वर का वचन लिखा हुआ वादे पड़े हुए हैं जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ये करेगा। हर विश्वासी को ये निर्णय लेना है, वादों के अनुसार आगे बढ़ना है या अपनी मन की कल्पनाओं के अनुसार आगे बढ़ना है। सोचिए ये जो वादा परमेश्वर ने एहाज के समय में यशाया के सातवें अध्याय में किया, ये 750 वर्ष बाद यीशु मसीह में पूरा होगा कि एक कुंवारी जन्म देगी, एक बच्चा जनेगी और उसका नाम रखा जाएगा इमैनुअल। इमैनुअल मतलब परमेश्वर हमारे संग। परमेश्वर आपके संग है, उसके वादे आपके संग हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके अधीन होकर चलते हैं, उसको फेथ ओबीडियंस कहते हैं, जो उसने वादा दिया है उसको मान के आगे बढ़ना है। अब्राहम को कहा गया है उनका पिता जो परमेश्वर के वादों पर भरोसा करते हैं, रोमन्स का 4:11 में, उत्पत्ति 15:3-6 में लिखा कि किसे उस तरह से परमेश्वर के सिर्फ वादों पर उसने भरोसा किया, रोमियों के 4 अध्याय में 18-22 में कि उसका विश्वास जो था वो परमेश्वर के वादों पर अटल बना रहा। ये उदाहरण हमारे लिए दिए गए हैं कि हमें कल्पनाओं के अनुसार नहीं जीना है, हमें कल्पनाओं पे क्या हो सकता है उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन इब्रानी 11:17-19 में अब्राहम के जीवन में जब मृत्यु भी सामने थी इसाक की, तो भी उसने वादे पर भरोसा किया और परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। तो ये प्रकार की जीवन है कि क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर से ये इतना सिर्फ कह सकते हैं, हाँ मैं मुझे आप पर भरोसा, मुझे आप पर भरोसा है, वादा दिया परमेश्वर ने, रखेगा भी वो, लेकिन हमारा कार्य है मुझे आप पर भरोसा। ये वादे विश्वास से ही आप इसको अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पाप आ सकता है, अविश्वास हमारे जीवन में रुकावट ला सकता है, लेकिन इन बातों को हम अंगीकार करके फिर से परमेश्वर के वादों पर भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास हमें ये सबक सिखाता है कि दुश्मन कितना ही बड़े आगे न लगे, दुश्मन कितना ही मजबूत क्यों न लगे, दुश्मन की शैली षड्यंत्र कितना ही बड़ा क्यों न लगे, लेकिन हम साधारण विश्वास परमेश्वर के वचनों पर कर सकते हैं और उससे हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले दिनों में कई जगहों पर सुसमाचार बांटेंगे, परमेश्वर की इसी वचन को लोगों के संग बांटेंगे और उनको ये आशा होगी, ये आशा के संग देंगे कि जो उसने कहा है वो पूरा करेगा।
जब वो विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे, और यही हमारी भी आशा है। आप हमारे संग जुड़ सकते हैं इनको लोगों को यीशु समाचार बांटने में संगति के लिए कर सकते हैं, और विश्वास कीजिए कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी जो परमेश्वर ने कहा है वो उसे पूरा भी करेगा। दुश्मन कितना भी बड़ा लगे, उससे बड़ा परमेश्वर का वादा है। राजाओं के राजाओं ने हमसे वादा किया है। हम जब विश्वास से निर्णय लेते हैं, हमारे पास सबूत है कि परमेश्वर विश्वासियों के लिए। अपने आप को मजबूत कीजिए, रुकावटें बड़ी लग सकती हैं, लेकिन भरोसा कीजिए परमेश्वर की बुलावट। आमेन।